तो भाई लोग महाराजा ट्रॉफी के SCA T20 2024 का जो मैच नंबर 18 है ना, इसमें मैंगलोर ड्रैगन्स के सामने होगा गुलबर्गा मजेस्टिक्स। अगर हमें गुलबर्गा की बात करें तो भैया एक मैच जीत रहे हैं, एक मैच हार रहे हैं। मैंगलोर की बात करें, कहीं ना कहीं जो मैंगलोर की कहानी है ना, वही उनकी भी ऐसी है। इनके जो ड्रैगन्स हैं, एक बार तो फायर कर देते हैं, अगली बार टाई टाई फिस्ट। मतलब दोनों टीमें एक जैसा ही परफॉर्म कर रही हैं। तो जो आज का मैच होगा, इसे कौन सी टीम करेगी अपने नाम, यही तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक इनके बीच में 2 मैच खेला गया, दोनों मैच गुलबर्गा मजेस्टिक ने अपने नाम पे किया। यानी अभी तक हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो जो गुलबर्गा की टीम है, मैंगलोर ड्रैगन्स को धराशाही करा है, हराया है। तो क्या आज की भी मैच में वैसे होगा? वैसे हम बात करें महाराजा ट्रॉफी 2024 का, जो एक मैच इनके बीच में खेला जाना था, वो बारिश आती है, नो रिजल्ट रहता है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम पड़ेगी भारी और जीतेगी आज का मैच? लेकिन उससे पहले यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे बताओ? अरे कर लो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, मेरा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ना कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना, उतने ही रन बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी? कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको यकीन नहीं है? ओहो, ऐसी बात है। तो ऐसा करो, अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अब सब प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में ना भाई की अपडेट आपको चेक करना है। अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो कहीं जाना, कहीं भी मत जाना, टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना। हाँ, काम पसंद आए तब आप चले जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। अगर हम इस मैच की बात करें तो आप सबको पता है जो मैच है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, और यहाँ की पिच के बारे में पता है, बिल्कुल फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो धराशाही भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिच फ्लैट नहीं है, बैटिंग के लिए बढ़िया नहीं। पिच फ्लैट है, बैटिंग के लिए बढ़िया है। बाउंड्री लेंथ 55 से 61 मीटर की, हाँ इतने ज़्यादा मैच खेले जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मतलब स्लो होगी कंडीशन, लेकिन इतना भी स्लो नहीं होगी। रन यहाँ पे बनते ही जाते हैं, कहाँ पे? बेंगलुरु के मैदान पे। मतलब जो आज का मैच है ना, हाई स्कोरिंग एंड मीडियम स्कोरिंग के बीच में होगा। जब ऐसा मैच होगा तो कौन सी टीम इस मैदान पे फतेह करेगी, मतलब मैच जीतेगी, वो तो जानेंगे। उससे पहले अगर हम इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, भैया जो मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम है, इन्होंने 17 मैच खेला, 5 मैच जीते, 12 मैच हारे। यानी जो इनकी परफॉर्मेंस है इस मैदान पे, अभी तक ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं रही है। बात करें अगर हम यहाँ पे गुलबर्गा मजेस्टिक की, तो उन्होंने 21 मैच खेला, 12 मैच जीते, 9 मैच हारे। तो गुलबर्गा कहीं ना कहीं इस मैदान पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता है, बहुत खतरनाक नहीं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता है। लेकिन बात करें अगर हम यहाँ पे मैंगलोर ड्रैगन्स की, तो बिल्कुल टाइम टाइम फिस रहता है। और जो गुलबर्गा ने दोनों मैच हराया था ना, मैंगलोर ड्रैगन्स को इसी मैदान पे हराया था पिछले सीजन, तो आज के मैच में क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैंगलोर ड्रैगन्स की। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऊपर के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मैनसिल नरोहा की बात करें, इनकी जो फॉर्म है तगड़ी है, लगातार सभी मैच में रन बनाते आ रहे हैं। और इनका साथ देते हैं रोहन पाटिल की भी जो फॉर्म है अच्छी है, सभी मैच में लगातार रन बनाते आ रहे हैं। तो ओपनिंग जोड़ी इनकी परफेक्ट है। उसके बाद निकिन जोसे आते तीसरे नंबर पे, निकिन जोसे की भी जो बल्लेबाजी है तगड़ी है, लगातार सभी मैच में ये भी रन बना रहे हैं। और चौथे नंबर पे कृष्णा मोती सिद्धार्थ आते हैं, उनकी भी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ठीक है, लगातार वो भी सभी मैच में रन बना रहे। तो ऊपर की जो टॉप 4 बल्लेबाजी वो तगड़ी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उसका रीजन है, इन 4 के बाद लंकेश केएस एज ए फिनिशर खेलते हैं, लेकिन 10 मैच में से 1-2 मैच में फिनिश कर पाते हैं, बाकी सभी मैचों में खुद ही फिनिश होकर चले जाते हैं। मतलब लंकेश केएस की जो फॉर्म है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। सीरियस गोपाल कप्तान की बात करते, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। गेंदबाजी की बात करें तो कभी 1-2 विकेट मिलता है, कभी विकेटलेस, कभी 2 विकेट, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं है। बल्लेबाजी का नंबर आता है, तो वहाँ पर भी ज्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाने। कौन? कप्तान सीरियस गोपाल। तो इनकी भी जो फॉर्म है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। तुषार सिंह को पिछले 1-2 मैच से मौका मिला, लेकिन तुषार सिंह की भी जो परफॉर्मेंस रही ना उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। इनको भी एज ए फिनिशर खिलाया जा रहा है। लाचन गोडवा की बात करें तो पिछला मैच खेला था ना, तो गेंदबाजी कराई गई, बारिश की वजह से बल्लेबाजी का नंबर आया नहीं। हालांकि डोमेस्टिक में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते। बाकी अगर हम और जो इनके प्रॉपर गेंदबाज है उनकी बात करें, सामर्थ नागराज 3 मैच खेला, बस 1 विकेट चटका पाए। यानी जो सामर्थ नागराज है ना, इनकी गेंदबाजी जो है बढ़िया नहीं चल रही। सबसे बढ़िया कोई गेंदबाजी करा तो है अभिलाष चट्टी, तो इन लगातार सभी मैच में 1-2 विकेट चटका रहे, कभी कभी 3 विकेट भी चटका देते, किफायती भी रहते। कौन? अभिलाष सेट्टी। और इनके अलावा पारस आर्या, इनकी भी जो गेंदबाजी ठीक ठाक है, बहुत खतरनाक नहीं, 1-2 विकेट चटका देते हैं। लेकिन बात करें अगर हम यहाँ पे MB दर्शन की, तो इनकी भी जो गेंदबाजी है फ्लॉप है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम है, ऊपर के टॉप 4 बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और 2 गेंदबाज बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी के जो 5-6 खिलाड़ी हैं उनसे मतलब नहीं है टीम हारे या जीते। अगर आधे खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म करेंगे, आधे खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म ना कर पाएंगे, तो भैया 4 में से 1 ही
जीतेंगे, बाकी मैच इनको हारना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं पे गुलबर्गा जो मजिस्टिक है इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो लवली सिसोदिया और देवदत्त पडिक्कल जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है बढ़िया। देवदत्त पडिक्कल तो एक्सपीरियंस है, आईपीएल में भले ही फ्लॉप हुए थे लेकिन यहाँ पे महाराजा ट्रॉफी जब भी खेलते रन बनाते हैं डोमेस्टिक में वो परफॉर्मेंस इनकी दिख भी रही है। और लवली सिसोदिया भी अपने कप्तान देवदत्त पडिक्कल का बढ़िया साथ दे रहे थे, इनकी भी जो ओपनिंग जोड़ी है परफेक्ट है, बढ़िया चल रही। उसके बाद अनीस केबी है, अनीस केबी बात करें तीसरे नंबर पर आते हैं। देखो लगातार तो रन नहीं बना पाते, एक मैच में चलते एक मैच में नहीं चलते, तो हम कह सकते जो अनीस केबी हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है आधी अधूरी है। एक मैच में चलना है एक मैच में ना चलना, सेम कहानी इस मारन आर की, एक मैच में चलते एक मैच में फ्लॉप हो जाते। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें शुरुआत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद तीसरे चौथे नंबर का बल्लेबाज कभी चलता कभी नहीं चलता, तो यहाँ पे कहेंगे जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा लड़खड़ाता है, कभी कभी हर दिन नहीं किसी दिन चल भी जाते हैं ये। वाहिद फैजान खान की बात करें तो तीन मैच खेला, एक मैच में बल्लेबाजी का नंबर नहीं है, नॉट आउट थे, और एक मैच में अठारह एक मैच में 19 बनाए, तो मतलब ठीक है शुरुआत मिल रही है लेकिन थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी आती है इसलिए लंबी परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला। बाकी डोमेस्टिक में वाहिद फैजान खान बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें यशोवर्धन प्रताप की तो इन्होंने जो अभी तक 8 मैच खेला उसमें 43 रन बनाए, 5 विकेट निकाला, एक ही मैच में ज्यादा विकेट मिला, उससे पहले विकेट भी ज्यादा नहीं मिला, बल्लेबाजी का थोड़ा सा कम नंबर आता, जब आता तो चलते भी नहीं। तो ओवरऑल कह सकते हैं यशोवर्धन प्रताप की जो फॉर्म है आधी अधूरी है, मतलब 3-4 मैच में एक आता ही मैच में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं नहीं तो नहीं कर पाते। प्रवीण दुबे की बात करें ये भी मान कह सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर है, कभी मतलब बल्लेबाजी की बात करें 4-5 मैच में एक आता मैच में बढ़िया बल्लेबाजी और 4-5 मैच में एक आता मैच में बढ़िया गेंदबाजी, नहीं तो ओवरऑल जो प्रवीण दुबे हैं कंसिस्ट लगातार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये भी नहीं कर पाते। अभिषेक प्रभाकर की बात करें तो पिछला मैच खेला था, डेब्यू किया था महाराजा ट्रॉफी में, 3 विकेट चटकाए, डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे अभिषेक प्रभाकर के दिखी, बढ़िया शुरुआत करी। लेकिन रितेश भटकल की बात करते इनकी जो गेंदबाजी अच्छी नहीं, कभी एक आता विकेट मिलता है कभी विकेट लेस जाते हैं, साथ में थोड़ा सा महंगे भी होते हैं। पृथ्वीराज शेखावत की बात करते इनकी भी वो जो गेंदबाजी थोड़ा सा एवरेज है, एक आता विकेट तो मिलता है लेकिन साथ साथ थोड़ा सा महंगे भी होते हैं, लगातार मतलब बढ़िया गेंदबाजी पृथ्वीराज शेखावत भी नहीं कर पाते। बात करें अगर हम यहाँ पर मोनिश रेड्डी की तो इनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, एक आता 2 विकेट ले लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा रन तो इनको भी पड़ जाता है लेकिन एक आता 2 विकेट मोनिश रेड्डी ले लेते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर शरण गौड़ की तो इनकी भी जो गेंदबाजी थोड़ी सी एवरेज है, कभी विकेट मिलता है कभी नहीं मिलता और महंगे अलग से होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें जो गुलबर्गा मजिस्टिक की टीम है ना, बल्लेबाजी फिर भी ठीक ठाक है लेकिन गेंदबाजी में एक आता 2 गेंदबाजी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, तभी जो 5 मैच खेला उसमें से 2 जीते 2 हारे 1 मैच नो रिजल्ट रहा। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपेरिजन करें तो जहां मैंगलोर ड्रैगन्स ने अपने आखिरी के 6 मैच में 2 मैच जीते 4 मैच हारा, ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस है अच्छी नहीं है। गुलबर्गा मजिस्टिक की बात करें तो 6 में से 3 जीता 3 हारा, मतलब 1 जीत रहे हैं 1 हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 170 का इस पिच पे ठीक ठाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है जबरदस्त नहीं कह सकते। मैंगलोर की बात करें तो 161 का बल्लेबाजी एवरेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। बात करें अगर यहाँ पे गेंदबाजी एवरेज की 8.38 जो गेंदबाजी एवरेज था कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, यानी जो इनके गेंदबाजी 170 के आसपास खाते लेकिन बल्लेबाजी 160-165 तक पहुंचते तभी आखिरी के 6 मैच में 2 मैच जीते 4 मैच हार के। बात करें गुलबर्गा मजिस्टिक की तो 8.33 जो इनका गेंदबाजी एवरेज है वो हम कह सकते हैं ये भी ठीक ठाक है, जो इनके गेंदबाजी 170 के आसपास रन खाते हैं लेकिन बल्लेबाज वो भी 170 ही तक पहुंचते तभी एक जीत रहे एक हार रहे। तो रिजल्ट की बात करते बिल्कुल थोड़ा सा जो गुलबर्गा है वो मैंगलोर ड्रैगन से बेहतर नजर आ रहा है, बल्लेबाजी में थोड़ा सा बेहतर जरूर है कौन गुलबर्गा मैंगलोर से, लेकिन गेंदबाजी अब इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी मैच उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो अभी आपको मैं 30 सेकंड के अंदर बताता हूँ, लेकिन आप भी 10 सेकंड के अंदर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दिया चैनल को सब्सक्राइब बहुत बढ़िया, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भाई लोग देखो सारी एनालिसिस करने के बाद जो मैच है 40 and 60 का, 40 मैंगलोर ड्रैगन 60 गुलबर्गा मजिस्टिक, तो अगर आप यहाँ पे चाहे जो मजबूत टीम है गुलबर्गा मजिस्टिक उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है जो आज का मैच है ना मैंगलोर ड्रैगन अपने नाम पे कर सकता है, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है जो आज का मैच है मैंगलोर ड्रैगन अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आपको मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना लगभग उतने ही रन बनते हैं, तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको यकीन नहीं है, ओहो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो, जो आज का मैच है ना इस मैच में भाई की अपडेट चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, हाँ काम पसंद आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, वैसे कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं भाई का काम चेक करें जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।